दोस्तों नमस्कार, मैं छोटे लाल यादव साथ प्रहरी जिला अनूपपुर मध्य प्रदेश। दोस्तों आज हम 24 घंटे के अंदर हमारा स्नेक रेस्क्यू टीम के द्वारा रेस्क्यू किया गया 3 नाग सांप है, 1 रशल वाइपर है। दोस्तों बारी बारी करके हम सभी सांपों के बारे में बताएंगे। सबसे पहले आपसे ये निवेदन है हमारा कि हमारा ये वीडियो ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा जनमानस में फैलाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें। हमारा ये कार्य आपको कैसा लग रहा है उसके बारे में भी कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों हमारा ये वीडियो आप फेसबुक में देख रहे हैं उसमें भी कमेंट करें और लाइक करें, यूट्यूब में देख रहे हैं तो उसको भी सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारा यूट्यूब चैनल चलता है छोटे लाल यादव स्नेक के नाम से। दोस्तों हमारा स्नेक रेस्क्यू टीम 24 घंटा तत्पर रहता है ये बेजुबानों को बचाने के लिए, जिनको हम जंगल में लेके आए हैं स्वतंत्र विचरण के लिए हम रिलीज करेंगे एक करके। और ये जनमानस में पर्यावरण के लिए बहुत ही लाभदायक है इन जीवों को बचा रहना। दोस्तों हम शहर और ग्रामीण क्षेत्र से रेस्क्यू करके जंगल में लेके आते हैं और इन्हें बिना छेड़खानी के स्वतंत्र विचरण के लिए रिलीज करते हैं। दोस्तों पुनः आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम एक एक करके सभी को छोड़ेंगे। सबसे पहले रशल वाइपर को छोड़ेंगे। ये रशल वाइपर इस साल ठंड का मौसम का पहला रशल वाइपर है और इसे भी हम जंगल में छोड़ेंगे। बहुत ही एक्टिव रशल वाइपर है ये। पास से देखिए, इसको पहचान लीजिए, अजगर के जैसे दिखने वाला सांप है लेकिन ये अजगर नहीं है, रशल वाइपर है और इसे स्वतंत्र विचरण के हम लिए छोड़ेंगे। बहुत ही तेज गति से दोस्तों ये नाग का बच्चा है, इसमें न्यूरोटॉक्सिन का जहर पाया जाता है, इसे भी हम जंगल में छोड़ेंगे और ये भी एक्टिव है। पास से दिखा दें, व्हाइट कलर का नाग सांप है। ये दिखाओ, तो ये नाग सांप है, नाग का बच्चा, इसे भी जंगल में रिलीज करेंगे। खुद ही निकल गया। बस बस बस,
और इसे कल हम शासकीय कन्या शिक्षा परिसर से रेस्क्यू किए थे, और इसे भी स्वतंत्र विचरण के लिए हम लेके आए जंगल में।